स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम रेसिडेंशियल स्कूल, एडमिशन ओपन, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज, एडमिशन ओपन। अब 2 रुपए सस्ता डीजल, ग्रीन इंडिया बायो डीजल, जोरकट फैशन मॉल, 1500 तक का कोई भी जींस मात्र 600 में, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। एक नाम है विंध्याचल, जो ट्रस्ट है स्वास्थ्य सेवा का, मगर आज सेवा के मायने बदले तो विंध्याचल ट्रस्ट एंड हॉस्पिटल पीछे कैसे रहता। अनोखी पहल के साथ अनोखा तरीका भी अपनाया जा रहा है, वो भी तालाबंदी के दौर में, जिसका सहयोगी बन रहा है क्राउन प्लाजा होटल एंड रेस्टोरेंट। और आधार बना है वो पलामू पुलिस, जो कोरोना के खिलाफ अघोषित जंग के कर्मवीर है। टीओपी 3 के प्रांगण में हाउसिंग कॉलोनी बैरिया समेत तमाम इलाकों के लोगों को भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने की कवायद तेज है। वहीं व्यंजन को हर सप्ताह बदल बदल कर दिए जाने का भी मुहिम चलाया जा रहा है। विंध्याचल अस्पताल के कर्ता धर्ता मनीष सिंह की माने तो तालाबंदी में यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। सबसे पहले तो हम लोग को आज कोरोना से जो आज हम लोग फाइट कर रहे हैं, और आज हम लोग बहुत बढ़िया अनुपालन कर रहे हैं कोरोना से। पूरा प्रशासन दिन रात एक करके हम लोग को गाइडलाइन अपने हिसाब से दे रही है। और सबसे दूसरा चीज़ की सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपना मेंटेन करते रहें, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा कोरोना को हम लोग मात दे सकते हैं। और इसके पहले जो हम लोग भोजन का जो कार्यक्रम था, जैसे हम लोग घूम घूम के जाते थे, सबको खिलाते थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वो छूट जाते थे, पता नहीं चल पाता था। हम लोग फिर सोचे कि नहीं, कहीं एक जगह स्थाई करके हम लोग खिलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने हिसाब से सारे जगह प्रचार प्रसार कर दिए हैं, और पर डे करीबन 200-300 लोग यहाँ आके खा रहे हैं, और हम लोग वीकली मेनू बनाकर इसमें काम कर रहे हैं। पलामू में कोरोना को हराने के लिए चली मुहिम को ऐसे सेवकों ने बल दिया है जिनकी कोई सानी नहीं है। आने वाले वक्त में हर किसी की महती भूमिका याद रखी जाएगी। देहात में गांव पर जाते थे, लोग भीड़ भाड़ लगा देते थे, उसके चलते हम लोग कुछ हट करके एक जगह स्थायी रूप से व्यवस्था कर दिए हैं कि लोग आवे और लाइन बना के दूरी दूरी रह करके लेवे और घरे जा करके आराम से खाए। तो फिर विंध्याचल हॉस्पिटल मनीष भैया क्राउन प्लाजा से श्री एन बी सिंह जी, अभिमन्यु सिंह जो टीओपी प्रभारी है, वो इन लोगों के पहल से यहाँ पे हम लोग डाले हैं, और सबको मिलजुल के सहयोग से चल रहा है। और हम लोगों का कोशिश है कि ये जब तक लॉकडाउन रहे और जब तक लोग यहाँ पे आए, ज़रूरतमंद लाभान्वित हों। लगभग 400 से 500 ज़रूरतमंद लाभान्वित हो रहे हैं, और ये पर डे चल रहा है। पर डे का राशन का मेनू अलग है, किसी दिन खीर है, किसी दिन चावल दाल चोखा है, किसी दिन खिचड़ी है, किसी दिन बिरयानी है, इस तरह करके मेनू, ताकि लोग इरिटेट ना हो, हम खाना उनको प्रॉपर वो खिला सके जो हम खाते हैं। सेवाकारों की संख्या में इजाफा तो हुआ, मगर जो सेवा के मायने पलामू पुलिस ने दिखाया, उसका प्रमाण है कि आज हर किसी का सर खुद ब खुद उनके सम्मान में झुकते नजर आता है। शहर थाना से शुरू हुई राहगीरों, मुसाफिरों, फंसे हुए लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की मुहिम के हिस्से टीओपी 3 प्रभारी अभिमन्यु सिंह का प्रयास विंध्याचल अस्पताल और उनकी टीम के साथ मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग का वास्तविक तौर पर पालन कराते नजर आ रही है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, यहाँ काफ़ी गरीब लोग हैं, अगल बगल टीओपी 3 इलाका जो है, इसके अगल बगल जो है बहुत गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो मजदूरी कर रहे थे तो उनका भोजन चल रहा है। लॉकडाउन से ये लोग काफ़ी ये हैं। आमतौर पर भोजन बांटने, रॉ मटेरियल वितरण के दौरान सामाजिक दूरी नहीं निभाई जाती है, ऐसे में टीओपी 3 थाना के सामने विंध्याचल ट्रस्ट की मुहिम कारगर भी है और जंग जीतने में अहम भूमिका भी अदा करेगी। ब्यूरो कैपिटल न्यूज़।